हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप अपने वाइट स्टूडियो के अंदर डैशबोर्ड को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत लोगों को एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं इस वीडियो में वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड्स, आपको अपना mystudio.com ओपन कर लेना है क्रोम ब्राउज़र पर। जैसे फ्रेंड्स ये ओपन हो जाए, आपको फ्रेंड्स डैशबोर्ड का ऑप्शन शो हो जाएगा, चैनल डैशबोर्ड का। फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन शो होंगे। फ्रेंड्स, एक एक करके आपको ऑप्शंस के बारे में समझाता हूँ। फ्रेंड्स, ये लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस क्या बताता है, जो भी आपने रिसेंट में अपलोड किए होंगे वीडियो, यहाँ पे लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस में ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सेटिंग तो यही बताती है। और यहाँ पे गो टू वीडियो एनालिटिक्स पे इस सेटिंग इस वीडियो को एनालाइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर आपको ये बताया गया फ्रेंड्स चैनल का एनालिसिस के बारे में, कितने सब्सक्राइबर हैं, लास्ट 28 डेज में कितने व्यू आए हैं, कितने वॉच टाइम है, यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पे टॉप वीडियोस आपके दिखाई जाएंगे जिनमें सबसे ज़्यादा व्यू है, यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं जाके। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रिसेंट सब्सक्राइबर है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था रिसेंट सब्सक्राइबर के बारे में, जिन्होंने आपके चैनल को रिसेंटली सब्सक्राइब किया है वहाँ पे शो हो जाएंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे पब्लिश्ड वीडियोज़ हैं, जो भी आपने वीडियो को पब्लिश किया है यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डैशबोर्ड के ऑप्शन थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।